कांग्रेस पार्टी पूरी देश में आज डिमांड कर रहे हैं कि नीट और जेईई एग्जाम्स पोस्टपोन करना है। अभी कोविड 19 की पैंडेमिक जो पीक स्टेज भी जा रहे, इस समय पे ये एग्जाम्स होल्ड करना, ये स्टूडेंट्स का हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स का सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। हम आज इसके साथ ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरी देश में, हम डिमांड कर रहे हैं नीट जेईई और तेलंगाना में जो सेट एग्जाम्स होल्ड करने वाले हैं, ये सारे पोस्टपोन करने चाहिए। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरी देश में ऑनलाइन कैंपेन भी कर रहे हैं, और बहुत आप देख रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जस्ट एक कॉल में पूरी मेरी कांग्रेस कैडर्स भी बाहर आए। हम अपील करते हैं मोदी साहब को और केसीआर साहब को कि ये स्टबन मत रहो इसके बारे में। ये कल एजुकेशन मिनिस्टर कुछ अनजस्टिफाइबल बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कोविड 19 पैंडमिक जब तक कम हो जाए, ये जेईई नीट एग्जाम्स पोस्टपोन करना है। ये हमें नरेंद्र मोदी जी को और केसीआर जी को हमारी डिमांड है। आज कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड है जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम नीट नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट, आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आज कोविड 19 पैनेडेमिक उरुच पे है। आप एग्जाम्स करवाना था तो आप अप्रैल मई में करवाना था। आज आप ये बात बोल रहे हैं कि सेफ सिक्योर और पूरे प्रोटेक्शन के साथ हम एग्जाम्स करवाएंगे, तो मैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आपके जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, सैनिटाइजिंग टीम, पुलिस, जर्नलिस्ट, आप किसकी सेफ्टी कर सके जो आपके बच्चों की सेफ्टी करेंगे? और रही बात कोविड 19 पैनेडेमिक में 80% सिम्टम्स नहीं दिखाई देते और जो यंगस्टर्स है वो कैरियर रहते। अगर से कोविड 19 किसी को आ गया तो वो घर में गए बाद सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम होता। कोविड 19 को जब कंट्रोल करना था, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट टोटल फेल हो गई। अब कोविड 19 हवाओं में आ गया, कोविड 19 कम्युनिटी में आ गया, तो कांग्रेस पार्टी बच्चों के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, फ्यूचर हिंदुस्तान का फ्यूचर मद्देनजर रखते हुए, और जब हम सर्वे करें कांग्रेस पार्टी, तो 75% ऑफ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नो एग्जाम्स बोल रहे हैं, क्योंकि मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और फिजिकली भी घर में है वो लोग, तो पेरेंट्स तैयार नहीं है अपने पेरेंट्स की जान को रिस्क लगाने में। सो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की आवाज के ऊपर ऑल इंडिया ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये मामले में हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं कि आप ये पोस्टपोन करिए। और रही बात जो यूनियन गवर्नमेंट बोल रही बात कि 25 लाख लोग ये एग्जाम के लिए तैयार है और एडमिट कार्ड ले चुके हैं, तो जब हम स्टूडेंट से पूछे आप आपका हॉल टिकट ले चुके हैं, तो वो पलटा के हम आपको ये बात बोल रहे हैं, फियर से लिए, डर से लिए, मगर एग्जाम लिखना नहीं है हमारे को। तो कांग्रेस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही, मेहरबानी करके कोविड 19 पैनेडेमिक में आप एग्जाम्स पोस्टपोन करिए, बच्चों के फ्यूचर को, हिंदुस्तान के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। सर, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का यही मैसेज हम लेके आ रहे हैं, हम सर्वे करें, जैसा सोनिया गांधी